नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बलरामपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। एक परिवार के दो बच्चे डूबकर मर गए और परिवार जब मुआवजे के लिए दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने लगा, तब रिपोर्ट लगाने के नाम पर उससे रिश्वत की डिमांड रख दी गई। आरोप है कि लेखपाल ने मौत का मुआवजा दिलाने के नाम पर पीड़ित से पैसे लिए। मौत के मुआवजे में रिश्वत, बच्चों की मौत, लेखपाल की मौज, मातम में भी मुनाफा ढूंढने वाला। गौर से देखिए इस चेहरे को, हाथ कैसे 500-500 की नोट पर लपक रहे हैं, कैसे खुलेआम पैसे लेकर काम कराने की हामी भर रहा है ये सरकारी मुलाजिम। लेकिन इन पैसों के बदले जिस काम को कराने की बात हो रही है, उसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। बलरामपुर में पहाड़ी नाले में डूबने से हुई दो बच्चों की मौत का सौदा लेखपाल ने किया है। आपदा राहत के नाम पर सरकार से मिलने वाले मुआवजे में लेखपाल ने रिश्वत ली है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने इस वायरल वीडियो को लेकर जांच टीम गठित कर दी है और जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा कि वास्तविकता क्या है। दरअसल 12 अप्रैल को दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार बेहद गरीब है, लिहाजा सरकार की तरफ से परिवार को मुआवजा मिलना था, लेकिन किसे पता था कि मौत में भी लेखपाल अपना मुनाफा ढूंढेगा। मामला बलरामपुर के तुलसीपुर का है। यहाँ दो बच्चों की मौत के बाद मुआवजे के लिए परिवार भटक रहा है। आरोप है कि लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने के बदले पैसों की डिमांड की है। परिवार इतना गरीब है कि रिश्वत देने के पैसे उनके पास नहीं थे, लिहाजा ग्राम प्रधान के बीच में एंट्री हुई। सवाल ये है कि एक सरकारी मुलाजिम इतना गैर संवेदनशील कैसे हो सकता है? जिस घर में मातम फैला हो, वहाँ कोई रिश्वत मांगने की हिम्मत कैसे कर ले गया? नौकरी की छोड़िए, इंसानियत के लिहाज से भी ये कितनी झकझोर देने वाली खबर है। अगर ये आरोप सच है तो सवाल ये है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई कब? बलरामपुर से न्यूज 18 के लिए सर्वेश सिंह की रिपोर्ट। छुट्टी लेकर महिला सिपाही के साथ होटल में वक्त बिताने वाले डिप्टी एसपी को सिपाही बना दिया गया। डीजीपी मुख्यालय की जांच के बाद डिप्टी एसपी को डिमोट करने का आदेश जारी किया गया। उनकी नई तैनाती गोरखपुर पीएससी में आरक्षी के पद पर हुई है। अफसर को इश्कबाजी की सजा, डिप्टी एसपी का डिमोशन। इश्क में लोग क्या क्या नहीं कर जाते, कोई आग का दरिया कूदता है तो कोई रांझा बन जाता है तो कोई महिवार, लेकिन यूपी पुलिस के एक साहब का इश्क तो कमाल ही निकला। पद और रुतबे की हरक से पहले तो महिला थानेदार पर अनैतिक दबाव डालते रहे, फिर थानेदार साहिबा तो किसी तरह ट्रांसफर कराकर बच निकली, लेकिन एक महिला सिपाही उनके जाल में फंस गई और यहीं से शुरू हुआ डिप्टी एसपी साहब माफ करना, अब एक सिपाही का अवैध इश्क। मामला जुलाई 2021 का है, जब कृपाशंकर कनौजिया उन्नाव की बीघापुर सर्किल के सर्किल ऑफिसर डिप्टी एसपी हुआ करते थे। उसी दौरान वो एक बार छुट्टी लेकर घर जाने की बात कह के निकले थे। उनकी पत्नी ने जब पता किया उनके बारे में तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ निकला। जब सीओ का फोन बंद आया तो उनकी पत्नी काफी परेशान हो गई और जब उन्होंने किसी और से संपर्क किया तो पता चला कि कृपा शंकर छुट्टी लेकर निकले हुए हैं। पत्नी ने अनहोनी होने की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज की। अपने अफसर की गुमशुदगी ने उन्नाव के कप्तान को परेशान कर दिया। उन्होंने फौरन सर्विलांस टीम के साथ दो और पुलिस की टीमें लगाई और फौरन डिप्टी एसपी को ढूंढ निकालने का आदेश दिया, लेकिन किसी को पता नहीं था
कि सच सभी को हैरान कर देगा। किसी अनहोनी की आशंका के चलते जब उनके मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो वो कानपुर के एक होटल में मिल रही थी। उन्नाव पुलिस जब उस होटल में पहुंची तो वहां पर एक महिला सिपाही के साथ कृपाशंकर कनौजिया मिले। ये पूरा मामला मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में काफी चर्चित हुआ था। पुलिस कर्मियों को कानपुर के होटल में सीओ और महिला सिपाही साथ में मिले। बताया जा रहा है कि सबूत के तौर पर उन्नाव पुलिस सीओ से जुड़े वीडियो अपने साथ ले आई थी। होटल में एंट्री करते वक्त सीओ और उनकी महिला मित्र सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे और तभी इस मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने पूरे मामले पर समीक्षा के बाद कृपा शंकर कनौजिया को रिवर्ट कर सिपाही बनाने की संस्तुति दी। अब कृपा शंकर को 6वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर में एफ दल में आरक्षी पद पर तैनात किया गया है। सिपाही से ही प्रमोशन पाकर उन्होंने सीओ तक का सफर तय किया था। सूत्र तो ये भी दावा करते हैं कि साहब की आशिक मिजाजी से कई महिला पुलिसकर्मी परेशान थी। वो अलग बात है कि जब वो रंगे हाथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए तब उन पर कार्रवाई हुई। कल तक जो इंस्पेक्टर और दारोगा सैल्यूट मारते थे अब डिप्टी एसपी सिपाही बनने के बाद उन्हें सैल्यूट मारते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करते हैं इंदौर कत्लकांड की। जिसने जमानत कराई उसी को मौत के घाट उतार दिया। चौंका देने वाला यह वाकया इंदौर का है जहां बीजेपी के एक नेता को बीच सड़क पर गोली मार दी गई। मोनू कल्याणे की जान लेने का आरोप उसी शख्स पर है जिसकी जान कभी मोनू कल्याणे ने पुलिस से बचाई थी। जली हुई गाड़ियां, बंद पड़े बाजार, सड़कों पर सन्नाटा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां एक तरफ पुलिस का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इंदौर में ये सब कुछ हुआ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय की खासम खास मोनू कल्याणे की हत्या के बाद। मोनू कल्याणे की हत्या बीती रात उस वक्त की गई जब वो भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। आज इंदौर में वो यात्रा निकलने वाली थी। मोनू कल्याणे ने मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी भगवा यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन इससे पहले की यात्रा निकलती मोनू कल्याणे का उनके समर्थकों के बीच कत्ल कर दिया जाता है और कातिल फरार हो गए। बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात है, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। वो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था। मोनू कल्याणे बीजेपी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे और वो इलाके में निकलने वाली भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मोनू कल्याणे को गोली मारने वाले उनके घर के पास ही रहते हैं। आरोपियों ने एक से ज्यादा फायर किए थे। वहीं घटना के बाद आक्रोशित मोनू के समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये जो मकान है, ये मकान जो है ये अर्जुन का है। अर्जुन के घर के बाहर पर ये जो गाड़ियां खड़ी थी, मोनू कल्याणे के समर्थक कल देर रात पहुंचते हैं, हत्या के बाद से काफी नाराज थे, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, घर के अंदर जाते हैं और घर का एक एक सामान जला देते हैं। अभी भी घर के अंदर से धुआं निकल रहा है, यानी बवाल शांत नहीं हुआ है। बवाल को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स इस वक्त क्षेत्र में मौजूद है। चप्पे चप्पे पे पुलिस कर्मियों को लगाया गया है कि कोई यहाँ पर बवाल ना मचे, क्योंकि मोनू कल्याणे के जो समर्थक है काफी गुस्से में है और मोनू कल्याणे का इस क्षेत्र में काफी बड़ा दबदबा है। युवाओं की बड़ी फौज है मोनू कल्याणे के पास में और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद खास है।
पुलिस के मुताबिक जेल रोड स्थित तो उषा फाटक के रहने वाले मोनू कल्याणी रैली की तैयारी में जुटे थे। बाइक सवार दो युवक मोनू कल्याणी के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और भाग निकले। गोली मारकर भाग रहे बदमाशों पर बैनर लगवा रहे मोनू के साथी ने हाथ में रखी वस्तु फेंक कर मारी तो बदमाशों ने उस पर भी फायर किए और भाग निकले। मौके पर करीब 3 से 4 फायर होने की जानकारी है। 2 खोल भी पुलिस को मिले हैं। पड़ोसी उसी मोहल्ले में रहते हैं, वो आए और उन आपस में बात कर रहे थे। उसी समय कोई फोन नंबर एक्सचेंज करने की बात हुई। जब वो फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे थे उस समय उन्होंने 2 गोली उस पर चला दी। 2 गोली के खोके तो हमको वहाँ मौके मिले हैं। चश्मदीद साक्षी राहुल था, उसका कहना भी यही है कि जब हम उनको बचाने दौड़े, हम झंडे लगा रहे थे तो हमको हमारे ऊपर ही फायर किए और मौके से भाग गए। घटना का कारण क्या है, घटना के पूर्व की रंजिश है या अन्य कोई कारण है, उस संबंध में जानकारी कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि एक ही समाज के एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए पता करने की कोशिश की जा रही है। मोनू कल्याणी इलाके के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। इसीलिए मोनू कल्याणी की हत्या की खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और व्यापारियों ने हत्या के विरोध में बाजार बंद कर दिया। भगवा यात्रा के पहले बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे घर में आग लगा दी। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर पथराव किया और आग के हवाले कर दिया। 5 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 7 थानों का फोर्स क्षेत्र में मौजूद है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरा इलाका जो है इस वक्त काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या हुई है और मोनू कल्याणी इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रखते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिन 2 आरोपियों पीयूष और अर्जुन ने इंदौर के चिमन बाग के चौराहे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो पहले से ही मोनू कल्याणी को जानते थे। जानकारी ये भी मिली है कि कुछ महीने पहले ही मोनू कल्याणी ने अर्जुन को थाने से छुड़वाया था और अर्जुन और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहा सुनी भी हुई थी। ये भी पता चला है कि अर्जुन ब्याज का काम करता है। फिलहाल इंदौर पुलिस इन दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बरेली में प्लॉट कब्जे को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई और करीब 100 राउंड फायरिंग हुई। अब इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। बरेली पुलिस के एक्शन की तस्वीर है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर, बैक टू बैक गिरफ्तारियां, ये बवाल थमने के बाद की कहानी है, जिसमें एनकाउंटर भी है, गिरफ्तारियां भी हैं, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीरें बवाल के वक्त की हैं, जो एक एक कर सामने आ रही है। कलापुर नहर में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 22 जून सुबह 6:40 इज्जत नगर बरेली। मार्बल कारोबारी आदित्य के प्लॉट पर कुछ लग्जरी गाड़ियों का काफिला अचानक रुकता है। देखते ही देखते एक भीड़ प्लाट पर इकट्ठा हो जाती है और तभी कुछ जेसीबी वहां पहुंचती है और प्लाट पर कब्जे की जंग का आगाज होता है। इसी के बाद की एक झलक देखिए। तुम्हारी जैसे ही प्लाट पर कब्जे की खबर आदित्य और उनके बेटों को लगी, वो लोग लाइसेंसी हथियार लेकर मौके पर आ धमके। अब यहां के तस्वीरों को गौर से देखना शुरू कीजिए।
तस्वीरों में देखिए, आदित्य की कार जब पहुंचती है तो पुलिस मौके पर ही मौजूद होती है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला गाड़ियों से नीचे नहीं उतरता। ठीक तभी आदित्य अपने लाइसेंसी हथियार से दूसरे गुट को ललकारते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। फिर क्या था, कितने राउंड गोलियां चली कोई नहीं गिन पाया। इसी बीच दूसरी तरफ से भी खुलेआम फायरिंग की जाती है, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जाती है और तभी आदित्य पेट्रोल से जेसीबी को आग लगा देता है। पहले उनको जमा करो सर, हमारी सर लाइसेंस हमारी। अरे यार, वो चला रहे। सब कुछ किसी एक्शन फिल्म की तरह चल रहा था। मंजर ऐसा था कि लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। घंटों तक दहशत का कब्जा रहा। नायक की तरह पुलिस ने आदित्य गुट के लोगों को पकड़ लिया, हथियार भी फौरन जब्त कर लिया गया और फिर फरार लोगों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी शुरू हुई। जमीन कब्जे के विवाद में टाइल्स व्यापारी पिता पुत्र के चौकीदार की ओर से शाम को रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इसमें पूर्व विधायक के नेता पप्पू भड़तौल व राजीव राणा समेत 12 लोग नामजद और 150 अज्ञात को शामिल किया गया है। फिलहाल अब मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगरा पुलिस ने फर्जी कस्टम अफसर बनकर लूटने वाले को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से लूट का सोना और फ्लैट के दस्तावेज बरामद हुए हैं। शातिर अपराधियों ने फर्जी कस्टम अफसर बनकर सोना कारोबारी से सोना चेक करने के बहाने लूट की थी, तभी से पुलिस इन शातिर अपराधियों की तलाश कर रही थी। फर्जी अफसर, फर्जी छापा। चलती ट्रेन में सोने पर डाका। शातिर अपराधी ठगी के कितने ही नए नए तरीके इजाद करते हैं। अब आगरा की घटना को ही ले लीजिए। कोलकाता से आगरा आ रही ट्रेन में एक कारोबारी 2.5 किलो सोना लेकर आ रहा था, लेकिन जैसे ही टप्पेबाजों को इसकी भरक लगी, कांड कर दिया और पल भर में फरार हो गए। आगरा में मार्च 2024 को पुलिस को सूचना मिली, दो कस्टम के फर्जी अधिकारी बनकर सोने की ठगी का मामला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पीड़ित के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वे जयपुर से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आए थे। उनके पास लगभग 2.5 किलो सोना था। दो लोग कस्टम अधिकारी बनकर आए और उनको सोने की जांच पड़ताल के नाम पर दूसरी जगह लेकर गए। उसके बाद वह सोना लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इनसे लगभग 1.5 किलो सोना बरामद किया है और 60 लाख रुपए का जो फ्लैट इन्होंने लिया था उसके कागजात भी बरामद किए हैं। घटना कुछ दिन पुरानी है जिसका अब आगरा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इन शातिर अपराधियों ने फर्जी कस्टम अफसर बनकर छापा मारा था और कैंट रेलवे स्टेशन से ही दोनों कारोबारियों को अपने साथ ले गए, जबकि सोने को जांच के बहाने लूट लिया गया। ट्रेन से आ रहा था, आते हुए फिर उसको ट्रेन पे आगरा जो कैंट है वहां पे दो बंदे आए और उन्होंने आकर के अपने आप को विभाग का आदमी बताया और उसको सोना चेक करने के लिए कि हमें चेक करना है आपका अवैध सोना है या क्या है, आप हमारे साथ चलिए। तो उसको वो ले गए, ले जाकर के पटरी के साथ साथ ब्रिज के नीचे ले गए। तो ब्रिज के नीचे ले जा करके उससे वो सोना लूट लिया और लूट करके वहां से वो लोग चले गए। आगरा पुलिस को जैसे ही इन फर्जी कस्टम अफसरों की भनक लगी, पुलिस की टीमें इनके पीछे पड़ गईं। अब पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। तो ने उनके साथ कस्टम ऑफिसर बन के और उस सोने की जांच करने के प्रिटेक्स्ट पे टप्पेबाजी की घटना कारित की थी। उनसे लगभग 2.5 किलो सोना उन्होंने बताया था। कैमरा देखते हुए इन अभियुक्तों के निवास स्थान जो कि राजस्थान है वहां तक पहुंची। के अलावा 2 अन्य अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्होंने बताया कि इस जो सोना इन्होंने टप्पेबाजी की थी उसमें से 1 किलो लॉकर में रखा गया था। उस लॉकर से उसको विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उस 1 किलो सोने की बरामदगी हुई। 500 ग्राम सोना जो अन्य उन्होंने कहीं बेचा था उसकी बरामदगी हुई। फिलहाल पुलिस ने तीनों टप्पेबाजों से 1.5 किलो सोना और फ्लैट के कागजात बरामद किए हैं, जबकि सोने के बदले खरीदे गए फ्लैट को पुलिस जब्त करने की तैयारी कर रही है। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।